और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली से। मुजफ्फरनगर के खतौली में मतदान के दौरान सीओ की मनमानी दिखी है और मनमानी की समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके शिकायत की है। सीओ राकेश सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर सीओ काम कर रहे हैं और इनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर सीओ ने उन्हें भगा दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली से, जहां पर विधानसभा का उपचुनाव का मतदान चल रहा है और मतदान के दौरान सीओ की मनमानी जब देखने को मिली तो समाजवादी पार्टी का पारा हाई दिखा और समाजवादी पार्टी ने मनमानी की शिकायत चुनाव आयोग से करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर सीओ काम कर रहे हैं, इसलिए तुरंत इनको सस्पेंड किया जाना चाहिए। साथ ही समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम मतदाताओं का आधार कार्ड देखकर सीओ ने उन्हें भगा दिया। समाजवादी पार्टी के वोटर थे वो जिनको भगा दिया गया और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। बीजेपी के एजेंट के तौर पर सीओ काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया और सीओ राकेश सिंह की चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव का मतदान चल रहा है और मतदान के बीच मनमानी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सुबह से ही लगातार एक के बाद एक मनमानी की खबर सामने आ रही थी। अब मुजफ्फरनगर में मतदान के दौरान सीओ की जब मनमानी देखी तो समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के एजेंट के तौर पर सीओ काम कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग इनको तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करे। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि सीओ के इस रवैये के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी को हार सामने दिखाई दे रही है, इसीलिए वो इतनी उछल कूद कर रही है। यहाँ किसी भी तरीके की कोई मनमानी नहीं की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी अपना काम कर रहे हैं और मतदाता अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सीओ राकेश सिंह के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा था कि मुस्लिम मतदाता जो मतदान करने के लिए आए थे उनका पहले आधार कार्ड देखा गया और आधार कार्ड देखने के बाद उन्हें मौके से भगा दिया गया, जिसके बाद सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी ने सीओ को सस्पेंड करने की मांग की है और मांग करते हुए कहा कि तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी गई है। लेकिन बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ऐसी उछल कूद कर सुर्खियां हासिल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली से, जहां मतदान जारी है और मतदान के बीच सीओ की मनमानी दिखी। Thank you.